बिग बॉस के घर में एंट्री हुई डिंपल मल्हान की। जी हाँ, अभिषेक की माँ की एंट्री हुई। अभिषेक की मॉम बिग बॉस के घर में जैसे ही पहुंची, देखिए सबसे पहले तो बहुत ज्यादा भावुक और बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए फुकरा इंसान और रोने लगे बहुत जोर जोर से। करीबन 2 से 3 मिनट उन्होंने अपनी माँ को अच्छे से पहले तो गले लगाया, क्योंकि 52 डेज डिंपल मल्हान जी कहती हुई नजर आई कि 52 दिन हो गए हैं तेरे से दूर थी हम, तेरे से दूर थी मैं, और 52 दिन के बाद आज हम मिल रहे हैं। सबसे पहले तो अभिषेक ने बहुत कस के गले लगाया डिंपल मल्हान को। आपको बता दें, जब अभिषेक और उनकी मदर एक दूसरे को हग करे हुए थे, रो रहे थे बहुत ज़्यादा, तब मनीषा रानी भी बैकग्राउंड में हमें रोती हुई नजर आई। इमोशनल हो गई मनीषा रानी भी, और बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला वो पल था, बहुत ज़्यादा भावुक। लेकिन आपको पता है कि डिंपल मल्हान ने मनीषा रानी को ऐसा भी कुछ कह दिया है जिसके बाद अब चर्चाएं बहुत तेज हो गए हैं कि डिंपल मल्हान ने तो देखिए मनीषा रानी को ही अपने घर की बहू स्वीकार करने के लिए हामी कहीं ना कहीं भर दी है। दरअसल कल जब सबको गले लगा रही थी, वो सबसे मिलजुल रही थी, तो मनीषा रानी को गले लगाते ही उन्होंने कहा कि आप तो जान हो शो की, और आप तो मतलब बहुत अच्छा कर रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो आप, मेरे बेटे को भी आप समझाती हो, मेरे बेटे के साथ आप बहुत अच्छे से रहती हो, हमें बहुत देखकर आप दोनों अच्छे लगते हो। तो देखिए कहीं ना कहीं डिंपल की बेसिकली डिंपल मल्हान अभिषेक की मॉम है, उन्होंने भी देखिए कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है मनीषा रानी को, कहीं ना कहीं वो भी खुश हैं। मनीषा रानी और अभिषेक बॉन्ड को देखते हुए दोनों को सोशल मीडिया पर अभिषा बुलाया जाता है, तो दोनों को देखकर डिंपल मल्हान जी तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपको बता दूं कि फैमिली वीक इन दिनों चल रहा है, इसी सिलसिले में एल्विश के फादर भी अंदर घर के अंदर पहुँचे। एल्विश के फादर को भी बहुत अच्छे से सब लोग मिले। एल्विश बहुत ज़्यादा रोने लगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए एल्विश यादव, उन्होंने भी अपने फादर को जोर से हग कर लिया। मनीषा रानी ने तो देखिए पैर छूकर उनको ससुर जी तक बुला लिया है। तो देखिए इन सब की नोकझोंक बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि इन फैब फोर के ग्रुप से आशिका भाटिया विविक्त हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये तीन तो देखिए हमें टॉप 3 लग रहे हैं इस शो के, और बाकी देखते हैं अब मेकर्स क्या करते हैं, बाकी ऑडियंस जनता क्या करती है। बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।